कि उस मूर्ति को उठाने से ये सब आपदा आई है, क्योंकि वो जो धारी देवी है कहते हैं इतिहास में कि वो चारों धामों की रक्षा करती है। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदल लेती है। मूर्ति के साथ होने वाला बदलाव को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इस मंदिर को धारी देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। धारी देवी की मूर्ति सुबह के समय एक कन्या की तरह दिखाई देती है, फिर दोपहर में एक युवती की तरह दिखाई पड़ती है और शाम के समय एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। श्रीनगर रुद्रप्रयाग से पहले ही पड़ता है यहाँ पर धारी माता का मंदिर। अलकनंदा रिवर पर ये बना हुआ है धारी माता का मंदिर, तो आपको दिखाते हैं। अगर आप जा रहे हैं औली तो रास्ते में यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर घाट है, तो मैं एक बार आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। हमारे देश भारत में रहस्यमय प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धारी देवी का ये मंदिर। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धारी देवी का ये मंदिर। ये मंदिर हर दिन होने वाले चमत्कार और रहस्यों के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और मंदिर से जुड़ी सारे रहस्यों को आज जानने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर हर दिन होने वाले चमत्कार के लिए जाना जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदल लेती है। मूर्ति के साथ होने वाला बदलाव को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इस मंदिर को धारी देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। धारी देवी की मूर्ति सुबह के समय एक कन्या की तरह दिखाई देती है, फिर दोपहर में एक युवती की तरह दिखाई पड़ती है और शाम के समय एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। धारी देवी को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी माना गया है। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। मंदिर के अंदर जाने से पहले मंदिर से जुड़ी धारणाओं के बारे में एक बार जान लेते हैं। मंदिर से यहाँ के लोगों की काफी पौराणिक विचार धारणाएं जुड़ी हुई हैं। आइए उनको आगे जानने की कोशिश करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में मंदिर बह गया था, साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर यहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक श्रीनगर में हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के लिए देवी माँ की प्रतिमा को 16 जून 2013 को यहाँ से हटा दिया गया था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को एक भयंकर आपदा का सामना करना पड़ा था। आप लोग भी केदारनाथ में बादल फटने वाली घटना से पूरी तरह से वाकिफ ही होंगे। इसके बाद उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार एक राजा ने 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी, तो उस समय भी केदारनाथ में ऐसा ही एक भूस्खलन आया था, जिसमें उत्तराखंड के निवासियों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। अगर हम इस मंदिर के पीछे छिपी कहानी की बात करें तो बताया जाता है कि माँ धारी 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी। माँ धारी अपने सभी भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और हर तरीके से उनकी सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी मात्र 7 वर्ष की थी। आइए चलते हैं इस पूरी कहानी के लिए एक बार आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं। माँ धारी देवी के बारे में आचार्य मोहन भट्ट जी के पास हम लोग आ गए हैं, तो आज मोहन जी से हम लोग जानते हैं कि धारी देवी मंदिर का क्या इतिहास है, क्यों इतनी उत्तराखंड के अंदर इसकी मान्यता है, क्यों इतना लोग इस मंदिर को मानते हैं। तो पंडित जी, कुछ इस मंदिर के बारे में आप बताइए कि क्या इसका इतिहास है, क्यों इतनी ज़्यादा लोग इस मंदिर को मानते हैं, क्यों इतने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जी, सबसे पहले धारी माता को हम प्रणाम करते हैं।
धारी माता का जो है बहुत प्राचीन इतिहास है। धारी माता जी कालीमठ के पास कोई गांव है, उस गांव में उनका जन्म हुआ था और उनके परिवार में 7 भाई थे और एक उनकी सबसे छोटी बहन थी। तो जब धारी माता का जब जन्म हुआ तो उनके माता पिता अचानक जो है चले गए संसार से। फिर जो है धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके जो है 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई और 5 भाई तक जो है चले गए। अब जो 2 भाई थे उन्होंने सोचा कि जब से हमारी छोटी बहन का जन्म हुआ है तब से जो है हमारे घर में जो है ऐसे जो है अकस्मात जो मृत्यु होती जा रही है, क्या कारण होगा। तो उन्होंने जो है देखा कि जब से बहन का जन्म हुआ है तब से जो है ये सब हो रहा है। तो उन्होंने जो है उस जो बहन है उनको मारने की सोची। जब मारने की सोची तो एक दिन उन्होंने जो उसका जो है अपनी जो छोटी बहन थी उसका जो है हत्या कर दी, उसका सर काट दिया और वो जो सर है वो उन्होंने जो है नदी में बहा दिया और जो उनका धड़ है वो जो है वहीं ऊपर में वहीं पर छोड़ दिया और चले आए। तो धीरे धीरे वो जो सर है वो धीरे धीरे बहते हुए जो है अलकनंदा श्रीनगर तक आ पहुँचा। तो श्रीनगर के आगे 14 किलोमीटर के नज़दीक कलश ओढ़े जगह में जो एक धोबी आता था और रोज जो अपने कपड़े धोता था। तो जब कपड़े धोता था तो सामने से वो सिर जब आ रहा था उसने देखा कि ये क्या चीज़ आ रही है। तो उसने उसको देखता टकलेक जो है उसको देखता गया, टक लगा के देखता गया। तो वहाँ से एक आवाज़ आई कि मुझे जो है साइड कर दे। तो उसको देख करके वो अचंभित हो गया और डर भी गया। जब डर गया तो उस मूर्ति के जो मुंह से जो आवाज़ आई कि मुझे साइड कर दे, जब तू मुझे लेने के लिए किनारा करने के लिए यहाँ पर आएगा तो तेरे से आगे जो है सीढ़ी अपने आप ही बनती जाएगी। और उसने कदम उठा लिया आगे की तरफ बढ़ने लग गया तो सचमुच जो है सीढ़ी बढ़ने लग गई और उस धोबी को अचंभक हो गया कि ये सचमुच कोई शक्ति है। उसने उस सिर को उठाया और सिर को उठा करके जो है पत्थर के ऊपर रख दिया। पत्थर के ऊपर रखा जब तो उस मुँह से आवाज़ आई, उसने सारा इतिहास उसको बताया और उसने वहीं पर जो है उस मूर्ति की जो स्थापना करी। और आज भी वहाँ पर वो जो देव 3 रूप में मूर्ति का पूजन होता है और वो जो मूर्ति है सुबह शाम रात्रि को अलग अलग जो है उसके चेहरे की जो है रौनक होती है। और आज भी वहाँ पर काफ़ी लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं और सभी की मनोकामना जो है धारी देवी पूरी करती है। धारी माता की जय। आचार्य जी मैं जानना चाह रहा था कि कहते हैं कि जो यहाँ पर आपदा आई थी अभी 2013 के अंदर, अभी 2022 चल रहा है लेकिन बताते हैं कि जो आपदा आई थी उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ में, तो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई, तो क्या उसके बारे में कुछ बता पाएंगे जी। सबसे पहले तो वहाँ पर जो है क्योंकि आजकल सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर एक डैम बनाया गया। तो 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी उससे कुछ समय पहले ही उस मूर्ति को नीचे से ऊपर स्थापित करा गया। हाँ कि जगह वही है लेकिन उसको इतना ऊंचा बना दिया कि उसके ऊपर जो है उन्होंने स्थापित कर दिया। तो उस मूर्ति को उठाने से कुछ लोग कहते हैं कि उस मूर्ति को उठाने से ये सब आपदा आई है, क्योंकि वो जो धारी देवी है कहते हैं इतिहास में कि वो चारों धामों की रक्षा करती है। तो उससे कारण जो है ये सब प्रलय आई। धारी देवी ने छोटा सा अपना एक जो है रूप दिखाया और ये सब वहाँ पर हुआ। आचार्य जी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपसे आज हमें मिली, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग आपके पास दोबारा भी इसी तरह से आते रहेंगे, अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बनाए रखना। आज के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद आपको। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं धारी माता के मंदिर, सामने आप देख सकते हैं, अब चल रहे हैं अंदर की साइड पर और अंदर जाके आपको दर्शन कराते हैं। माता के दर्शन से पहले ये जरूरी था कि हम मंदिर के इतिहास के बारे में जान लें। फ्रेंड्स अब जाएंगे यहाँ से हम लोग अंदर, प्रसाद हमने ले ही लिया था। यहाँ पर सूखा नारियल चढ़ाया जाता है माता को।
मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं शिव परिवार के। आप पहुंचे हैं हम लोग मंदिर के अंदर और सामने ही आप देख सकते हैं कि माँ धारी हमारे सामने विराजमान है और इस समय लगभग 1 बज रहे हैं और माँ का अगर रूप अभी आप देखें तो आपको एक युवती की तरह माँ का रूप दिखाई देगा। मैं एक बार आपको कैमरे का जूम करके भी दिखा देना चाहता हूँ कि माँ का रूप इस समय किस प्रकार दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि काली मठ और कालस्य मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी के मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, और किसी जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय भारत।